गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। क्लोन की मदद से अंगूठे का निशान तैयार कर फ्रॉड ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से करीब 2.5 करोड़ रुपए की जालसाजी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने अधिवक्ता समेत 8 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपितों के पास से 1500 से ज्यादा क्लोन आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज किए बरामद। सभी पर लगेगा रासुका, भेजा जेल। दशहरा के दिन गोरखनाथ मंदिर से निकलेगी गोरक्षपीठ अधीश्वर की विजय शोभा यात्रा। अधियारी बाग रामलीला मैदान में जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भगवान राम का करेंगे रास तिलक। सुरक्षा के किए गए कड़े प्रबंध। चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस फोर्स। ड्रोन कैमरे से भी की जाएगी शोभा यात्रा की निगरानी। मंडलायुक्त ने फीता काट कर किया फोरेंसिक लैब। प्रांगण में स्थापित कोविड जांच सेंटर का शुभारंभ। कहा जिला अस्पताल आने वाले मरीजों को इलाज में मिलेगी सहूलियत। प्रत्येक दिन 24 घंटा होगी कोरोना की जांच। गोरखनाथ मंदिर स्थित शक्तिपीठ में मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठ अधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने माँ जगदम्बा की उतारी आरती। लोक कल्याण की कामना। नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए राजघाट पर बनाए गए पोखरों का जिला व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया निरीक्षण। कहा सुरक्षित संपन्न कराएं मूर्ति विसर्जन, ना होने पाए कोई लापरवाही। 10 महीने से फरार चल रहे 15,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस, एक पल्सर मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत जिले के हर गांव में गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए 1 नवंबर से शुरू होगा विशेष अभियान। जिन गांवों में एक भी गोल्डन कार्ड नहीं बने हैं उन गांवों की रहेगी पहली प्राथमिकता। सूची तैयार करने के लिए आशा कार्यकर्ता को दिए गए निर्देश। सीओ कोतवाली के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान के बारे में महिलाओं और बालिकाओं को किया गया जागरूक। शासन द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों के बारे में दी गई जानकारी। बेलीपार बाजार में कपड़े और बर्तन की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घंटों बाद आग पर पाया गया काबू। गोरखपुर में शनिवार को मिले 87 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 18,552। अब तक 304 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। एक्टिव मरीज हुए 1,181। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। महिला थाना प्रभारी एवं उनकी टीम द्वारा जंगल दूषण में चलाया गया जन जागरूकता अभियान। दिलाया संकल्प, बेटा बेटी एक समान, हर नारी की यही है मान। मिशन शक्ति अभियान के तहत जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त तत्वाधान में रेलवे स्टेशन पर चलाया गया जागरूकता अभियान। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक। और कोरोना काल में भी देवी पंडालों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मां के भक्तों ने किया मां भगवती की आराधना।